गुड इवनिंग चिल्ड्रन, लेसन वन स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर जो मूल कॉन्सेप्ट वाला है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, वो भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ नए बच्चे जोड़ रहे हैं बैच में। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा टफ है, मतलब आपको चैप्टर सेकेंड करना है पहले, चैप्टर थर्ड करेंगे, देन वी विल गो फॉर चैप्टर नंबर वन। सही बेटा, ऐसा नहीं लगना चाहिए शुरू में कि आपको डर लगने लग जाए सब्जेक्ट से। तो चैप्टर जो बच्चे भी नए रिसेंटली जिन लोगों ने ज्वाइन करा है उन्हें क्या करना है, वो मुझे या तो पर्सनली मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, तो मैं एक एक करके वीडियो लेक्चर उन्हें पर्सनली शेयर कर दूंगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो नंबर वन देखें और साथ में इसका वीडियो नंबर वन देखें। अब ये नहीं करना है कि आप सीधा आपने एक साथ ही मतलब एक ही दिन में 10 वीडियो देख लिया आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उससे समझ में नहीं आएगा आपको। तो रोज एक वीडियो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का और ये साथ में चल रही है। चैप्टर बड़ा इजी है, ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा लेवल से ज्यादा है। तो चैप्टर है लेसन नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन आता है आपके सामने सबसे पहले, व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? हमारे नेचर में अप्रोक्स 118 टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं और 118 टाइप ऑफ एलिमेंट्स की एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है और इजी भी नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं इन डिफरेंट पीरियड्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन वी स्टडी इन इजी मैनर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम डेफिनेशन लिखे कैसे एग्जाम में। तो आपको क्लासिफिकेशन के लिए क्या लिखना है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन डिफरेंट ग्रुप एंड पीरियड्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। या तो ये लिख दीजिए आप बेटर डेफिनेशन, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 2 आता है, क्लासिफिकेशन करते क्यों है, वॉट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे मेन आंसर इसका इजी स्टडी, एलिमेंट्स का इजीली स्टडी करने के लिए हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे पता लगेगा, यह सपोज करिए आपके पास लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, और आपके पास पोटेशियम है। सही, तो ये एलिमेंट्स आपके पास है। अब आपको बोला कि आपको इन सभी एलिमेंट्स की स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज का, तो आप करोगे क्या, आपको करना क्या पड़ेगा, लिथियम का अलग स्टडी करना पड़ेगा, सोडियम का अलग स्टडी करना पड़ेगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबका स्टडी अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा 10th क्लास का नॉलेज है तो Li की वैलेंसी प्लस वन होती है, सोडियम की वैलेंसी भी प्लस वन होता है, पोटेशियम का वैलेंसी भी प्लस वन होता है। सिमिलरली मैग्नीशियम का वैलेंसी प्लस टू है और कैल्शियम का वैलेंसी प्लस टू है। तो ये इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ये इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अगर आपको पता है कि कौन से एलिमेंट्स का वैलेंसी सेम है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सबका वैलेंसी एक जैसा है, और अगर वैलेंसी एक जैसा है इसका मतलब क्या है, इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज लिथियम की हैं, जो प्रॉपर्टीज सोडियम की हैं, सेम प्रॉपर्टीज क्या हैं, पोटेशियम की भी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। बात फिजिकल प्रॉपर्टीज की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, बिकॉज केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो चाहे आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, चाहे इसकी देखें, चाहे इसकी देखें, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम ही। सिमिलरली क्या है, Mg+2 और Ca+2 का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। क्यों सेम है भाई Mg+2 Ca+2 का केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। करके देख लीजिए, मैग्नीशियम एटम नंबर 12, कैल्शियम एटम नंबर 12 दिया था ना आपको 2 8 2 2 8 8, तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है।
तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज एलिमेंट्स आर ऑलवेज शो सेम कैटेगरी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। इसीलिए सेम ग्रुप पे हम क्या करते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास टेंथ में, यहां हमने लिखा हुआ है क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये एक ही लाइन में बनना है। अब एक ही ग्रुप में क्यों रखा हमने, बिकॉज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन्स है, इन सबकी वैलेंसी भी क्या है, प्लस वन है, इसलिए इन सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है। एक नई चीज मैं बताता हूं आपको, आजकल जो पेरियोडिक टेबल आता है, पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का लोकेशन फर्स्ट ग्रुप के साथ नहीं है, हाइड्रोजन को क्या है पेरियोडिक टेबल में अलग से रखा हुआ है बीच में, ऐसे देखना टेबल, ऐसे टेबल बना हुआ है आजकल का जो टेबल आता है, ऐसे बना हुआ आता है ये, और हाइड्रोजन को यहां सेंटर में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का पोजिशन स्टिल अनसर्टेन, कई बार हाइड्रोजन प्रॉपर्टी शो करता है मेटल्स की, कई बार हाइड्रोजन प्रॉपर्टी शो करता है नॉन मेटल की, तो क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन है क्या, स्टिल हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज आर अनसर्टेन, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में अगले लेक्चर्स में। बढ़ते हैं आगे, देखिए बेटा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट करें साइंटिस्ट्स ने। टेंथ में आपने पढ़ा डॉबरिंगर, न्यूलैंड्स और ये मैंगलिंग और ये मॉडर्न, बट टेंथ का जो स्टैंडर्ड है इलेवेंथ के सामने थोड़ा सा कम है, मतलब टेंथ में आपने क्या है आयनेशन, एंथैल्पी, एटॉमिक साइज ऑफ एटम, ये सब पढ़ा है, यहाँ थोड़ा सा डिटेल है ना बेटा, बट पढ़ना तो वही है दोबारा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है, ये तो ऑलरेडी सेम ही चलेगा, यहाँ ये इम्पोर्टेंट देखिए। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट अटेम्प्ट्स करें, मतलब डिफरेंट अपने स्कीम्स दिए एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया आपके डॉबेरिना ने, आपने सुना होगा टेंथ में डॉबेरिना ट्रायड, TRIAD, वही चीज पढ़नी है। नंबर टू पढ़ाया आपने न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, आपको याद होगा सारे गामा पाधा नीसा वाला कॉन्सेप्ट वो है। नंबर थ्री आपने पढ़ा मेंडेलियंस क्लासिफिकेशन, नंबर थ्री में आपने क्या पढ़ा है, नंबर थ्री में पढ़ा था आपने मेंडेलियन क्लासिफिकेशन टेंथ में, इस साल नया पढ़ो गया लोदर मेयर्स कॉन्सेप्ट, और नंबर फाइव पर आपको होगी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, मतलब अगर हम बोले ट्वेल्थ में या जेई मेंस वगैरह में आपके साथ जाना है कुछ तो ये चीज जानना है, तो ये तो बहुत ईजी है, मैं इसको निकालता हूँ। ठीक बेटा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डॉबेरिना अटेम्प्ट्स। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका वो है आपका डॉबेरिना का, में क्या बोला, वेन वी अरेन्ज द एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ध्यान सुनना मेरा पॉइंट, वेन वी अरेन्ज द एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, then atomic mass of second element is equal to average of first and third element atomic mass, कई बार बीच में मोबाइल आ जाते हैं, फोन आते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, सही है, देखते हैं। तो डोमिनर क्या बोलता है, व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन ग्रुप ऑफ थ्री, देन एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, जैसे आपने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
7 है, 39 है, तो सोडियम का क्या होगा? 7 प्लस 39 अपॉन 2 इक्वल 23, सही है। अब 11th में क्या पूछ सकता है? अब इतना इजी चीज 11th के स्टैंडर्ड का तो नहीं है, पूछ ले तो बोनस है हमारे लिए। आप इजीली मतलब आपके लिए क्या है ये बोनस से बढ़कर कुछ नहीं है।